डायनासोर। डायनासोर एक ऐसा जीव है जिसका नाम लेते ही हमारे दिमाग में बड़े बड़े जानवरों के ख्याल आने लगते हैं। क्या आप जानते हैं डायनासोर क्या है और डायनासोर किस जीव को कहते हैं? आज हम आपको इस वीडियो में डायनासोर के बारे में ऐसे रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी पढ़ा और ना ही सुना होगा। तो आइए शुरू करते हैं डायनासोर के बारे में रोचक जानकारी। डायनासोर का इतिहास आज से करीब 23 करोड़ साल पुराना है। करीब 23 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर का जन्म हुआ था और आज से 6.5 करोड़ साल पहले आखिरी डायनासोर की मौत हुई। डायनासोर धरती पर 16 करोड़ साल तक रहे। इंसानों का जीवन उनके जीवन का केवल 0.1% है। डायनासोर जिस काल में धरती पर जीवित थे उसे मेसोजोइक एरा कहा जाता है। ये इस युग के तीनों भागों में जीवित रहे जिसमें ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस युग शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय डायनासोर की लगभग 2468 प्रजातियां थी जिनमें से कुछ पूर्ति भी थी। डायनासोर शब्द ग्रीक भाषा के शब्द टेरिबल लिजर्ड से आया है जिसका अर्थ होता है भयानक छिपकली। डायनासोर शब्द 1842 में एक ब्रिटिश जीवाश्म वैज्ञानिक रिचर्ड ओवेन ने दिया था। डायनासोर दहाड़ नहीं सकते थे, ये सिर्फ मुंह बंद करके घुर्रा सकते थे। गुजरात की नर्मदा नदी के किनारे भी डायनासोर के अवशेष मिले हैं। ये करीब 7 करोड़ साल पुराने हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर करीब 200 साल तक जीते थे। डीएनए केवल 20 लाख साल तक जीवित रह सकता है, इसलिए डायनासोर के जीवाश्म का डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता। जो डायनासोर पानी के निकट रहते थे उनके सबसे अच्छे अवशेष मिले हैं। मांस खाने वाले डायनासोर को थेरोपोड कहा जाता है, मतलब राक्षसी पंजों वाले। इनके खुर और नाखून तेज होते थे, बल्कि शाकाहारी डायनासोर के पंजे और नाखून तेज नहीं होते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ डायनासोर ठंडे खून के होते थे तो कुछ डायनासोर गर्म खून के। शाकाहारी डायनासोर ठंडे खून के थे। कुछ बड़े आकार वाले शाकाहारी डायनासोर रोज 1 टन खाना खाते थे, बल्कि मांसाहारी डायनासोर गर्म खून के थे और ये अपने साइज के शाकाहारियों से 10 गुना ज्यादा भोजन खा जाते थे। डायनासोर की हड्डियां खोखली होती थी। खासकर मांसाहारी डायनासोर की, ताकि इनका वजन हल्का बना रहे। और ये दो पैरों पर चलते थे ताकि तेजी से भाग सके और दोनों हाथों से शिकार कर सके। वहीं शाकाहारी डायनासोर अपने भारी शरीर को चलाने के लिए 4 पैरों पर चलते थे।
डायनासोर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े निगल जाते थे। ये इनके पेट में रहकर भोजन पचाने में सहायता करते थे। डायनासोर अंटार्कटिका सहित हर महाद्वीप पर पाए गए हैं, लेकिन उस समय महाद्वीप एक दूसरे के नजदीक हुआ करते थे। कुछ डायनासोर की पूंछ 45 मीटर लंबी थी। ये पूंछ भागने के समय डायनासोर का बैलेंस बनाने में मदद करती थी। सबसे तेज ऑर्निथोमिमस डायनासोर भागते थे। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते थे। ये हूबहू आज के शुतुरमुर्ग की तरह दिखते थे। बोलविया में एक चूना पत्थर की चट्टान पर डायनासोरों के पैरों के 5000 निशान पाए गए हैं। ये निशान करीब 6,80,00,000 साल पुराने हैं। कई प्रजातियां की कंकालीय संरचना विभिन्न संशोधनों के साथ विकसित हुई थी, जिनमें अस्थीय कवच सींग या कलगी शामिल हैं। हालांकि डायनासोरों को आमतौर पर उनके बड़े आकार के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ डायनासोर प्रजातियों का आकार मानव के बराबर तो कुछ मानव से छोटे थे। डायनासोर के कुछ सबसे प्रमुख समूह अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते थे। डायनासोर अगर जिंदा होते तो क्या होता? बहुत से ऐसे वाकियात हुए हैं, जो न होते तो जाने क्या होता, दुनिया का रुख क्या होता, इंसानियत की तारीख क्या आज से अलग होती। बताया जाता है कि करीब 6,60,00,000 साल पहले एक एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया था। इस टक्कर से जितनी ऊर्जा निकली थी वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 10 अरब गुना ज्यादा थी। एस्टेरॉयड के टकराने से सैकड़ों मील दूर तक आग का गोला फैल गया था। ये कयामत के आने जैसा था। हमारे वायुमंडल तक में आग लग गई थी। 25 किलो से ज्यादा वजन का कोई जानवर इस प्रलय में जिंदा नहीं बचा। इस टक्कर से समंदर में सुनामी की प्रलयकारी लहरें उठी थीं, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। कयामत इसे ही तो कहते हैं। एस्टेरॉयड की टक्कर से धरती पर जीवों की 75% नस्लें हमेशा के लिए खत्म हो गईं। इसी प्रलय के चलते विशालकाय डायनासोर की तमाम नस्लें तबाह हो गई थीं। कुछ उड़ने वाले छोटे डायनासोर ही इस तबाही से बच सके थे। बाद में डायनासोर की ये नस्लें परिंदों में तब्दील हो गईं। मगर आज वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि अगर वो एस्टेरॉयड धरती से न टकराया होता तो क्या होता, या फिर अगर वो एस्टेरॉयड कुछ मिनट पहले धरती से टकराया होता तो ये आज के मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप के बजाय गहरे समंदर में गिरा होता। इससे उतनी तबाही नहीं मचती जितनी असल में मची थी। हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री के लिए कई वैज्ञानिकों ने ऐसी संभावनाएं तलाशी थीं, अगर वो एस्टेरॉयड कुछ लम्हा पहले या बाद में धरती से टकराता तो या तो वो अटलांटिक महासागर में गिरता या फिर प्रशांत महासागर में। इससे जो आग निकली, जो सल्फर का धुआं निकला, उसका असर धरती पर कम पड़ता। ऐसा होता तो डायनासोर की नस्ल हमेशा के लिए नहीं खत्म होती,
कुछ डायनासोर आज भी जिंदा होते, हालांकि उसके बाद भी धरती ने कयामत के कई मंजर देखे, शायद उनमें से कुछ बड़े डायनासोर बच जाते। क्योंकि विकास के सिद्धांत के मुताबिक डायनासोर को भी बचे रहने के लिए धरती के बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता। तब हो सकता है कि कुछ डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो जाते और शायद कुछ नस्लें बच भी जाती। और अगर वो डायनासोर बच जाते तो क्या वो इंसानों के बराबर अक्लमंद होते? अगर डायनासोर होते तो आज के जो स्तनधारी जीव हैं उनका क्या हश्र होता? क्या फिर इंसान और डायनासोर साथ साथ धरती पर रहते? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि 6.6 करोड़ साल पहले अगर एस्टेरॉयड धरती से नहीं भी टकराया होता तो डायनासोर का युग खात्मे के कगार पर पहुंच जाता। वैज्ञानिक माइक बेंटन कहते हैं कि धरती का माहौल सर्द हो रहा था, ऐसे में डायनासोर का बचना नामुमकिन सा था। वो धरती के क्रिटेशियस युग के आखिरी दिनों में बमुश्किल खुद को बचाए हुए थे। एस्टेरॉयड की टक्कर से करीब 4 करोड़ साल पहले से डायनासोर की नस्ल का पतन हो रहा था। माइक बेंटन के मुताबिक आज ही की तरह तब भी डायनासोर का नहीं स्तनधारी जीवों का धरती पर बोलबाला होता। स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के स्टीफन ब्रूसैट का भी यही मानना है। स्टीफन कहते हैं कि डायनासोर ने अपने दौर में बहुत बुरा वक्त झेला, फिर भी उनकी सैकड़ों नस्लें बची रही। 16 करोड़ साल तक डायनासोर का धरती पर राज रहा था। विकास की प्रक्रिया में ये इतना आसान नहीं था। वो धरती के बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालते आ रहे थे। तो अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो उनके लिए चुनौतियां क्या क्या होती? पहली चुनौती तो धरती की बदलती आबोहवा होती। उनके दौर में धरती का तापमान 8 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। तब आज से ज्यादा जंगल थे जिनसे उन्हें आसानी से चारा मिल जाता था। इस माहौल में कुछ सौरोपॉड डायनासोर जिंदा रह जाते। वो आज की गायों के बराबर के होते। ऐसे कुछ डायनासोर के जीवाश्म यूरोप में मिले हैं, क्योंकि जब कयामत आई तो 131 फुट लंबे टाइटानोसोरस का दौर खत्म हो चुका था। डायनासोर के दौर में धरती पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे भी तेजी से बदल रहे थे। अगर विकास की वही प्रक्रिया होती तो डायनासोर फूलों वाले पेड़ पौधों पर जिंदगी बसर कर रहे होते। ये कुछ आज के स्तनधारी घास खाने वाले जीवों जैसा ही होता। फूल वाले पौधों के साथ ही धरती पर फल वाले पौधे भी विकसित हो रहे थे। उसी दौर में धरती पर स्तनधारी जीव और परिंदे भी विकसित हो रहे थे। शायद उड़ने वाले डायनासोर भी तब अपने आप को बचा पाते। वो फलों को खाकर खुद को बचा कर रखते। हो सकता है कि इनमें से कुछ डायनासोर बंदरों और चिंपैंजी जैसे पेड़ों पर बसर करते। शायद आज से करीब 3.5 करोड़ साल पहले दक्षिण अमेरिका एंटार्कटिका से अलग हो गया था। एंटार्कटिका पर भारी बर्फबारी की वजह से धरती के कई हिस्से सूख रहे थे। जंगलों की जगह घास के मैदान विकसित हो रहे थे।
उसी दौर में घोड़े जिराफ जैसे स्तनधारी विकसित हो रहे थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर की कुछ नस्लें भी इसी तरह अपने आप को बदलकर बचाने में कामयाब होती। शायद वो आज के दरियाई घोड़े या गैंडों जैसे होते। ढेर सारे दांतों वाले हाड्रोसॉर्स के जीवाश्म हमें मिले ही हैं, जिनके 1000 दांत हुआ करते थे। अब जिसके पास इतने दांत हो, उसके लिए चारा यानी घास चबाना आसान होता। डायनासोर की आंखें भी तेज हुआ करती थीं, इसलिए वो अपने करीब आते खतरे को भी दूर से ही पहचान लेते। इसीलिए आज के घोड़ों या गायों के मुकाबले उनके बचने की उम्मीद ज्यादा थी। कुछ उड़ने वाले डायनासोर आज के चमगादड़ों की तरह ही खुद को बदलते माहौल के हिसाब से ढाल लेते, या शायद सांप और छिपकलियों की तरह वो बिल बनाना सीख जाते। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि डायनासोर की कुछ नस्लें शायद अपने आप को समंदर में रहने लायक बना लेती, क्योंकि डायनासोर के सारे ही जीवाश्म जमीन पर रहने वाले मिले हैं। बहुत से विशाल डायनासोर आज की वेलों की तरह समंदर को अपना आशियाना बना सकते थे और अंडे देने के लिए जमीन पर आते। इक्टियोसॉर्स और लेसियोसॉर्स जैसे कुछ डायनासोर ऐसा ही करते थे। अगर जमीन पर हवा में या समंदर में रहने वाले डायनासोर आज भी बचे रहते तो आज के परिंदों या स्तनधारी जीवों का फिर क्या होता? वैज्ञानिक मानते हैं कि परिंदे तो पहले ही खुद को डायनासोर के साथ रहने के लिए ढाल चुके थे। अब अगर डायनासोर की नस्लें आज तक जिंदा होती तो उनके शरीर के साथ साथ उनका दिमाग भी विकसित होता। तो क्या आज अगर डायनासोर होते तो उनकी अक्ल इंसानों के बराबर या उनसे ज्यादा होती? अगर ऐसा होता तो शायद वो आज की साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखने वाले एलियंस जैसे होते, या शायद ऐसा नहीं होता। हाँ, वो आज की गायों घोड़ों और तोतों जैसे दिखने वाले होते। उनका मुकाबला इंसानों से नहीं दूसरे जानवरों से होता, और फिर जो बचे रहते वो इंसानों के साथ आराम से धरती पर रहते। पर ये सब तब होता जब वो एस्टेरॉयड धरती से नहीं टकराई होती, पर ऐसा हुआ। और डायनासोर खत्म हो गए।